नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदर अपडेट के अंदर। और वेदर अपडेट में चर्चा होने जा रही है यहाँ पे वेदर के बारे में, आज के मौसम के हाल के बारे में जानेंगे कि जो सर्दियाँ अब धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में बढ़ती जा रही है, उसके कारण क्या क्या है और आज कितना तापमान देखने को मिल सकता है दिल्ली एनसीआर में, और आने वाले दिनों में हालात कैसे रहेंगे मौसम के, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों में शुमार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने न्यूनतम और अधिकतम पारे में कमी लाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक भी नीचे जा सकता है। उधर मौसम विभाग के अनुसार आज यानी सोमवार को भी दिन भर आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। वहीं सुबह के समय कोहरा थोड़ा देखने को मिलता रहेगा। सोमवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में ठंड बढ़ने का क्रम लगातार जारी है। रविवार को तेज हवाओं के बीच न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे आ गया। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का अभी तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। हवा में नमी का स्तर 34 से 93% रहा। उधर सफर इंडिया के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से कमी हो रही है। इससे दिल्ली के पीएम 2.5 में पराली जलाने से संबंधित प्रदूषकों की हिस्सेदारी सोमवार को नगण्य रह सकती है। अगले दो दिनों में हवा की गुणवत्ता में भी बहुत खराब श्रेणी के निचले स्तर तक सुधरने होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि इसी सप्ताह 24 नवंबर से तापमान में गिरावट होने और हवा की रफ्तार कम होने पर प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ जाएगा। यह एक बार फिर गंभीर श्रेणी में जा सकता है जो दिल्ली एनसीआर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। पहाड़ी राज्यों में जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर पूरे उत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली में जो हवा की जो क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो लगातार ख़राब श्रेणी में ही देखने को मिल रहा है और आगे भी इसमें कोई सुधार हो जाए अभी ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा रही है। वहीं डेंगू का भी जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं सरकार द्वारा, काफ़ी सारे इवेंट्स किए जा रहे हैं कि जो लोग हैं वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, कहीं पे पानी ज़्यादा इकट्ठा ना होने दे, काफ़ी सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिस पर लोगों को ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता भी है। फिलहाल वेदर अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।